पीएम नरेंद्र मोदी आज सिख गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में हिस्सा लेंगे। रात 9:15 बजे लाल किले में होने वाले इस समारोह के समय पीएम मोदी सिख समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। दिल्ली के मयूर विहार फेस 3 में अज्ञात हमलावरों ने बीजेपी नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीतू चौधरी मयूर विहार में बीजेपी के जिला मंत्री थे। बुधवार को रात करीब 8:15 बजे जब वो अपने घर से बाहर निकल रहे थे तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला बोला और फरार हो गए। घायल बीजेपी नेता को फौरन नोएडा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहाँ इलाज के समय उनकी मौत हो गयी। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच में जुटी है। तो बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में यह हत्या होती है, बदमाशों ने गोली मारी है। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है लेकिन क्या यह साजिश के तहत किया गया है, पुरानी रंजिश थी या फिर कोई और वजह, इसकी जाँच में पुलिस जुटी हुई है। ये जो घटना आज हुई है मयूर विहार फेस 3 के अंदर, उससे पूरा क्षेत्र पूरी दहशत में भी है और जिनको हत्या करी है भाजपा मयूर विहार जिला के मंत्री भी रहे हैं वो, और बहुत ही कुशल व्यवहार उन्हों का है, सभी लोगों के साथ मिलना उठना, मंदिर में आना जाना हर तरह से। हमारे मंदिर जो बड़ा है वो भी गुरुजी भी यहाँ आकर के गए, हर्षवर्धन जी भी आकर के गए हैं, अध्यक्ष जी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता जी भी आए हैं, मेयर साहब भी आए हैं। खेरसौन में रूस के फौजियों ने यूक्रेन के एक स्कूल में हथियारों के गोदाम को पकड़ लिया जिसका वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक स्कूल में उसके सैनिकों को भारी मात्रा में हथियार मिले। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के फौजी टॉर्च की रोशनी में उस स्कूल के चप्पे चप्पे की छानबीन करते नजर आए। स्कूल में अंधेरा होने की वजह से उन्हें टॉर्च की मदद लेनी पड़ी। वहां उन्हें गत्ते के डिब्बों और पॉलिथीन में कई तरह के हथियार बरामद हुए, कहीं फर्श पर तो कहीं किसी बैग में उन्हें हथियार मिले जिनमें बंदूकें, कारतूस और युद्ध में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान भी शामिल रहा। न सिर्फ हथियार बल्कि उन्हें एक मेज पर कुछ दवाएं भी रखी मिली। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में रूस की फौज ने कई मिसाइलें दागी जिनकी चपेट में आकर 6 की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए, और हमले के बाद शहर के कुछ हिस्से बुरी तरह बर्बाद दिखे। रूस ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों को टारगेट कर हमले किए, वहीं टायर की एक दुकान को भी रूसी फौज ने मिसाइल गिराकर तबाह कर दिया। विस्फोट कितने जोरदार रहे होंगे इसका अंदाजा टूटी इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। सामने आई तस्वीरों में दमकल कर्मी इमारत में लगी आग को बुझाते नजर आए। हमले में बिल्डिंग के पास खड़ी कुछ गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए। जहां ये मिसाइलें गिराई गईं, उसी के बगल से रेल लाइन भी गुजरती दिखी जिस पर इमारतों का मलबा बिखरा नजर आया। कुछ रेलवे कर्मी पटरियों से मलबा साफ करते दिखाई दिए। बताया गया कि हमले के बाद कई ट्रेनों का समय और रूट भी बदलना पड़ा। इस बीच यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने जंग से तबाह यूक्रेन का दौरा किया। अपने इस दौरे में वो सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों गले भी मिले। बाद में यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष ने यूक्रेन के कुछ जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। फिर जेलेंस्की और चार्ल्स मिशेल के बीच काफी देर तक बात भी हुई जिसमें जंग के समय हुई तबाही पर बात की गई। इस दौरान यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने यूक्रेन में सैन्य और आर्थिक मदद जारी रखने का भरोसा दिया। इसके बाद वो बोरोदियांका भी गए। यूक्रेन का दावा है कि वहां के बूचा इलाके में रूस की सेना ने आम लोगों को निशाना बनाकर हमला किया था। इस बीच उन्होंने वहां हुए इस भीषण नरसंहार पर दुख जाहिर किया। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी नेताओं का भी दौरा होने वाला है। खार्किव में रूसी फौज के हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और उनके शव सड़कों पर पड़े दिखे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में शव पड़े नजर आए। कुछ स्वास्थ्य कर्मी उन शवों को एम्बुलेंस में डालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते दिखाई दिए। वहीं जिन लोगों ने अपनों को खोया उनमें कई फूट फूट कर रोते दिखे। सामने आई तस्वीरों में रूस के हमले के बाद एक ऊंची इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगा मानो पहले कभी कोई यहां रहा ही न हो। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही बिखरा नजर आया। वहीं कुछ इमारतों पर तो मिसाइल हमले के निशान भी दिखाई दिए। आरोप है कि रूसी फौज आम नागरिकों पर भी हमले कर रही। ऐसे में शहर के लोग रूस के सैनिकों से लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रूसी हमले के डर से कई लोग घरों में छिपे भी दिखे और शहर की सड़कें खाली नजर आईं। रूस के हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव कब्रगाह में बदल गई। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया कि वहां अब तक उसके 1200 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं।
और ये अंदाजा उन शवों को निकालने के बाद लगाया गया जिन्हें कहा जा रहा है कि रूस के सैनिकों ने मारने के बाद जमीन में गाड़ दिया था। कीव से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि अलग अलग जगहों से यूक्रेन के नागरिकों के शवों को जमीन में गड्ढा खोदकर बाहर निकाला गया। कुछ जगहों पर तो इस काम में जुटे कर्मचारियों को क्रेन बुलानी पड़ी, जिसके बाद क्रेन की मदद से जमीन में दफनाए गए यूक्रेन के लोगों के शव बाहर निकाले गए। यूक्रेन की सरकार ने यह कार्रवाई इस बात का पता लगाने के लिए की कि रूस के हमले में उसके कितने नागरिक कीव में मारे जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की सरकार का दावा है कि जमीन से शवों को निकालने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर